हाई ब्लड प्रेशर, जिसे हम आमतौर पर हाई बीपी कहते हैं, आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी का एक बहुत ही सामान्य लेकिन खतरनाक स्वास्थ्य समस्या बन गया है। यह एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे ब्लड के बहाव का प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है। अगर इसे नजरअंदाज किया जाए तो यह गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। हाई बीपी के लक्षण कभी कभी स्पष्ट साफ तरीके से दिखाई या पता नहीं चलते और लोग इसे साइलेंट किलर भी कहते हैं। आइए कुछ लक्षणों को जानते हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। सर दर्द, अचानक या लगातार सर दर्द होना एक आम लक्षण हो सकता है। थकान या कमजोरी, बिना किसी खास कारण के ज्यादा थकावट महसूस होना भी हाई बीपी का संकेत है। चक्कर आना, अक्सर सिर घूमना या चक्कर आना भी हाई बीपी के लक्षण हो सकता है। सीने में दर्द, यदि सीने में दर्द महसूस हो तो इसे गंभीरता से लेना चाहिए क्योंकि यह उच्च रक्तचाप से जुड़ा हो सकता है। धुंधली दृष्टि, हाई बीपी के कारण आंखों पर दबाव पड़ता है जिससे धुंधला दिखाई दे सकता है। हृदय की धड़कन बढ़ना, अगर दिल की धड़कन तेज या कम ज्यादा हो रही है तो यह भी हाई बीपी का संकेत हो सकता है। उच्च रक्तचाप के गंभीर परिणाम, अगर हाई बीपी को समय पर नियंत्रित ना किया जाए तो यह कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। इनमें से कुछ है हार्ट डिसीज, हाई बीपी दिल पर अधिक दबाव डालता है जिससे दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, जिससे दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर हो जाता है। स्ट्रोक, हाई बीपी के कारण दिमाग की नसें फट सकती हैं या ब्लॉक हो सकती हैं जिससे स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। किडनी की समस्याएं, हाई बीपी किडनी की रक्त वाहिकाओं में नुकसान पहुंचा सकता है जिससे किडनी फेलियर हो सकता है। हाई बीपी कई कारणों से हो सकता है जिनमें कुछ तो हमारी दिनचर्या और खान पान से जुड़े होते हैं जबकि कुछ हमारे शारीरिक और जेनेटिक कारण हो सकते हैं। यहाँ कुछ सामान्य कारण दिए गए हैं, जैसे अनियमित खान पान, ज्यादा तला भुना नमक और फैटी खान पान हमारे शरीर में बीपी को बढ़ाने का मेन कारण है। तनाव, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव लेना बहुत आम हो गया है। लगातार तनाव में रहने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। धूम्रपान और शराब, धूम्रपान और अत्यधिक शराब का सेवन रक्तचाप को तेजी से बढ़ा सकता है जिससे हाई बीपी की समस्या ट्रिगर हो सकती है। शारीरिक गतिविधियां, यानी कि जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते या शारीरिक रूप से एक्टिव नहीं रहते उनमें हाई बीपी का खतरा बाकियों से ज्यादा होता है। हाई बीपी एक गंभीर स्थिति है लेकिन इसे सही समय पर पहचानना जरूरी है ताकि समय रहते कंट्रोल किया जा सके। आइए इसी विषय पर प्रसिद्ध हकीम सुलेमान जी को सुनते हैं। आप याद कर लीजिए, देखिए लीबू तो आप जानते हैं, लीबू, अदरक, लहसुन, इन तीन चीज़ों का एक एक लीटर जूस निकालिए। फिर याद कर लीजिए, लीबू, अदरक, लहसुन का एक एक लीटर जूस निकालिए और आपको ख़रीदना है बाहर से एक लीटर जैतून का सिरका। अपने फ़ोन में लिख लीजिए, जैतून का सिरका एक लीटर लीजिए और इन सबको मिक्स कर दीजिए और फिर तीन चम्मच सुबह नाश्ते के बाद पानी के साथ लें और तीन चम्मच रात को पिया करें। ये चार लीटर जब बन जाएगा आपका एक लिक्विड, ये ख़त्म होते होते आपकी बीमारी भी ख़त्म होना मुमकिन है।